नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज हलवाई। राज हलवाई रेसिपी में आप सभी का स्वागत। तो दोस्तों, राज हलवाई रेसिपी में आज हम बनाएंगे पालक पनीर। ये देखिए, इस तरह पनीर को फ्राई करके और पालक को अच्छी तरह पका के फिर पनीर को इसमें डाला जाता है। इस तरह पालक पनीर बन जाता है। तो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पालक लिया है, जो एक गुट्टी लिया है, वजन में 500 ग्राम लिया है। इसको अच्छी तरह साफ करके और धो लिया है। अब यहाँ पतीले में हमने पानी रखा है, थोड़ा सा पानी गर्म हो गया है, उसके बाद में ये पालक हमने इसमें डाल दिया है। इसको हम बॉयल करेंगे, साथ में हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह हमारा नमक इसके बीच में उबल जाता है और पालक हमारा नमकीन सा बन जाता है। तो इस तरह इसको हम बॉयल होने देते हैं। ये 5-7 मिनट बॉयल होता है, इसको कवर कर देते हैं। तो इस तरह 5-7 मिनट ये उबलता रहता है, उसके बाद में इस तरह ढक्कन को खोलते हैं। अब ये देखिए, अच्छी तरह पालक हमारा बॉयल हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, एक छाननी में पलट देंगे, जिससे हमारा पालक का पानी निकल जाएगा। तो ये देखिए, ये अच्छी तरह उबल चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ एक डोंगा ले लेंगे, उस डोंगे के ऊपर हमने एक छाननी रख लिया है। इस तरह हम पालक को डाल देते हैं। ये देखिए, अच्छी तरह पानी निकल गया है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर ठंडा करके इसको हम मिक्सी के जार में डाल दिया है। साथ में हमने आधा ग्लास दूध डाल दिया है। हम दूध के साथ इसको मिक्सी कर देंगे। ये देखिए, तो अच्छी तरह दूध के साथ मिक्सी करने से हमारे पालक की सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये हमने पालक को मिक्सी कर दिया है, इसको हम अलग रखते हैं। अब हम लेंगे पनीर। ये पनीर हमने 500 ग्राम लिया है, इसको हम छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। ये देखिए, जिस शेप में आपको काटना, उस शेप में आप कट सकते हो। चौरस भी डाल सकते हो, लंबे साइज भी कट के डाल सकते हो। जिस तरह आपकी इच्छा, उस तरह पालक की सब्जी के लिए आप पनीर कट सकते हो। ये देखिए, तो इस तरह हम कट के पहले पनीर को तैयार कर लेंगे, उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह हम छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। ये देखिए, ये पनीर हमारा 500 ग्राम है। आप थोड़े पनीर का भी बना सकते हैं, इससे ज़्यादा पनीर का भी बना सकते हैं। जो हमने पालक लिया है वो भी हमने 500 ग्राम लिया है और पनीर भी हमने 500 ग्राम ही लिया है। अब यहाँ देखिए, एक कढ़ाही रखेंगे, इसमें हम 200 ग्राम तक ऑयल ऐड करेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम से चला देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाता है तो इस तरह हम पनीर को सारा डाल देते हैं, कटे हुए पनीर को, और इसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से हमारी सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होता है, बस ये हल्का सा ब्राउन हो जाए। और इस तरह हम डोंगे में निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब ये हल्का ब्राउन हो गया है। अच्छी तरह ये मुलायम सा पनीर होता है, जिससे ये ग्रेवी हमारी अच्छी तरह अब्जॉर्ब कर लेती है। पालक का ग्रेवी जो है इसके बीच में भर जाती है। तो इस तरह पालक के लिए हमने पनीर को फ्राई कर लिया है। अब हम दूसरी कढ़ाई रखेंगे तड़के वास्ते। जो हमारे ऑयल बच गया है फ्राई करने से, वो ऑयल इसमें ऐड करेंगे दूसरी कढ़ाई में। इसमें हम तड़का बनाएंगे। यहाँ ऑयल को हमने छान लिया है, उसके बाद में गैस का फ्लेम हमने मीडियम से चला लिया है। इसमें हमने एक चम्मच जीरा ऐड किया है। जीरा जब चटकने लगता है तो इसमें हम 3 पीस लाल मिर्च, ये साबुत लाल मिर्च है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है और ये ज़्यादा तीखा भी होता है। अब इस तरह इसको हमने ब्राउन कर लिया है। उसके बाद में हमने 10-12 कलियां हमने बारीक बारीक लहसुन के कट के इसमें ऐड कर दिया है। आप कट भी सकते हैं और चॉप भी कर सकते हैं बारीक बारीक। तो इस तरह जब ये लहसुन अच्छी तरह ये ब्राउन कर लेंगे, तब इसमें हम थोड़ा सा हींग डालते हैं। ये देखिए, इस तरह थोड़ा सा हम हींग ले लेंगे, इसमें डाल देते हैं। और साथ में हमने 1 पीस बारीक बारीक प्याज कट के इसमें डाल दिया। अब ये देखिए, लहसुन हमने पहले ब्राउन कर लिया है, उसके बाद में हमने प्याज ऐड किया है। और इस तरह हम फिर प्याज को हल्का ब्राउन कर लेंगे। ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाता है, तब इसमें हम अदरक ऐड कर देते हैं। अदरक हमने लच्छा सा 1 गंडी अदरक काट लिया है और इस तरह हमने ऑयल में ऐड कर दिया। इस तरह हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखिए, जब ये भून जाता है, इसको ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा जब ये ब्राउन हो जाता है तो थोड़ी सी हमने हल्दी डाली, आधी चम्मच, और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम हमने कश्मीरी मिर्च ऐड किया है। कश्मीरी मिर्च आपके पास है तो वो ऐड कर दीजिए, नहीं तो आप घर का मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में ये 2 हरी मिर्च हमने कटा हुआ ऐड कर दिया, और साथ में हमने ये जो पालक मिक्सी करके रखा था ये ऐड कर दिया। अब इस तरह पालक को अच्छी तरह हम इस तड़के में भूनेंगे। ये देखिए, थोड़ा हम अच्छी तरह धो के
अपने जार को इसमें डाल देते हैं। अब ये देखिए हमने पालक ऐड कर दिया है, लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देते हैं। ये देखिए अच्छी तरह ये धीरे धीरे जब पकता रहता है तब ये बहुत टेस्टी बन जाता है। तो इसको सबसे ज़रूरी ये होता है कि पालक को हमें अच्छी तरह पकाना होता है, साथ में हम थोड़ा सा नमक इसमें डाल देंगे। ये देखिए अब इसको हम पकने देंगे, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम रखेंगे और साथ में इसमें हम कसूरी मेथी को हाथों से इस तरह मैश करके और इस तरह सब्जी में डाल देंगे। सब्जी में कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत बेस्ट आता है, इसलिए हमने थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड किया है। अब ये देखिए ये पालक अच्छी तरह पक रहा है, साथ में हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाले में हमने लौंग इलायची दालचीनी से अच्छी तरह इसमें पीस के रखा है, जिससे हमारा सब्जी ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। अब क्या करेंगे, इसको हम 15 मिनट तक कम से कम अच्छी तरह पकने दिया है। उसके बाद एक चम्मच इसमें हमने मक्की का आटा ऐड किया है, एक चम्मच मतलब ये 15 ग्राम हमने मक्की का आटा ऐड किया है। ज़्यादा इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, बस एक चम्मच 15 ग्राम हमने इसमें लगाया है। मक्की का आटा ऐड करने से ये होता है हमारे पालक की सब्जी में पूरा लजीजपन आ जाता है और पानी सा और साग सा अलग नहीं होता है, इसमें पूरा लजीज हो जाता है, जिससे हमारी सब्जी बहुत बेस्ट बन जाती है। तो इस तरह इसको पकने देते हैं, घी सा ये ऊपर आ जाता है, ये देखिए पकते पकते तब हमारी सब्जी तैयार हो जाती है। अब ये देखिए अच्छी तरह पालक हमारा पक पक के गाढ़ी हो गई है, इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरह ये थोड़ा हम पतला कर लेंगे और इसको पकने देते हैं, साथ में हम पनीर डाल देंगे। ये जो हमने फ्राई करके रखा था इसको हम सारा डाल देंगे। अब इस तरह हम इसको थोड़ी देर पनीर के साथ पकने देते हैं, उसके बाद में हमारे पालक पनीर की सब्जी कंप्लीट है। तो इस तरह पालक पनीर की सब्जी आप अपने घर में आसानी से छोटी क्वांटिटी में बना सकते हो। अगर आपको बड़ी क्वांटिटी में बनाना है तो इसी तरह आप बड़ी क्वांटिटी में बना सकते हो। ये देखिए इस तरह पका लेंगे अच्छी तरह, अब ये हमारी सब्जी बिल्कुल बेस्ट तैयार है पालक पनीर के। अगर आपको दूध नहीं ऐड करना, साथ में हमने दूध को मिक्सी करके पालक के साथ इसमें ऐड किया है। अगर दूध आपके पास नहीं है तो इसमें आप खोया भी यूज़ कर सकते हो, खोए से भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसमें आप 50 ग्राम 60 ग्राम खोया इतनी क्वांटिटी में आप ऐड कर सकते हो, आपकी सब्जी पूरी टेस्टी बनती है। तो इस तरह हमारी पालक पनीर की सब्जी बिल्कुल बेस्ट तैयार है। अब इस तरह पालक की सब्जी को हल्का सा अगर मीठा रखना है तो इसमें 4 दाने मतलब आप 10 ग्राम तक शुगर भी ऐड कर सकते हो, या आप थोड़ा सा इसमें टमाटो सॉस भी डाल के हल्का मिठास में कर सकते हो। हमने मिठास में नहीं किया है, हमारे घर में तीखा खाते हैं तो इस तरह ये हमने रख लिया है। अगर आपको हल्का सा मीठा रखना तो इसमें टमाटो सॉस या आप 10 ग्राम शुगर इसमें मिक्स कर सकते हो। साथ में हमने थोड़ा सा मक्खन ऐड कर दिया चम्मच से, ऊपर से हमने धनिया ऐड कर दिया, हरी धनिया, और इस तरह हमारे पालक की सब्जी कंप्लीट है। आप भी अपने घर में इस तरह पालक की सब्जी बना सकते हो, और बड़ी क्वांटिटी में आपको कोई प्रोग्राम में बनाना वो भी इसी तरह बना सकते हो। यहाँ एक ट्रिक आपको बताते हैं, अगर आप पालक की सब्जी बना रहे हैं तो पालक की सब्जी मीडियम सेक पे कम से कम 30 मिनट पकाना ज़रूरी होता है। तो ये सब्जी हमारी बहुत बेस्ट बन चुकी है, आप भी इस तरह अपने घर में बना सकते हो। और हाँ दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक। हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं।